Now we are starting question number 16, exercise 6.3 और equation of जो curve है हमारे पास यहाँ पर given है y equal to 7x cube plus 11. Slope of the tangent आप कैसे निकालते हैं सर? Differentiating both side आपने करा 21x square, ये आपके पास आ गया है slope of the tangent. अब आपको slope of the tangent को दो point पे find out करना है. एक point है x equal to 2. जब आप इसे solve करें सर, तो आपके पास option आ गया है 21 multiplied 4, that is 84. और अगर आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट को आपको फाइंड आउट करना है x इक्वल टू माइनस टू, दैट इज 21 मल्टीप्लाई माइनस टू का स्क्वायर 21 और यहां पर माइनस टू का स्क्वायर 4. अगर आपका ये स्लोप और ये स्लोप दोनों पॉइंट में इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर भी आपका ये टेंजेंट और ये टेंजेंट क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा. तो हम यहां पर प्रूव कर चुके हैं कि ये जो टेंजेंट टू द कर्व है एट पॉइंट x2 और माइनस टू पर, वो दोनों के दोनों आपस में पैरेलल है. आई होप ये सिंपल सा छोटा सा आसान सा सवाल आपको हद से ज्यादा आसान तरीके से समझ में आ गया होगा. अगर ऐसा कुछ है, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल. थैंक यू.